नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार आपको पता ही होगा कि बंगाल, असम और अन्य कई राज्यों के रिजल्ट्स आए हैं। इन राज्यों के रिजल्ट्स के बाद भाजपा के लिए काफ़ी माथापच्ची हो गई है। एक तरफ जहां बंगाल भाजपा बुरी तरह हार गई है, जिस तरीके का रिजल्ट एक्सपेक्टेड था, जो भाजपा दावे कर रही थी, वो सारे ध्वस्त हो गए। प्रशांत किशोर ने कहीं ना कहीं जिस तरह से ममता बनर्जी के साथ थे, उन्होंने भी भाजपा को अच्छा पटकनी दी है। अब बताया जा रहा है कि बंगाल हारने के बाद भाजपा के लिए आगे का रास्ता बहुत कठिन होने वाला है। कई राज्यों पर तलवारें लटक गई हैं। बिहार में भी सियासी बवाल मचा हुआ है। लालू यादव की मौजूदगी की वजह से बिहार की राजनीति भी बदल रही है। आज लालू यादव ने वर्चुअल मुलाकात भी अपने सारे विधायकों से की है। बताया जा रहा है कि बिहार में भी तख्तापलट की शुरुआत की जा रही है। अगले साल यूपी में भी चुनाव है। कई राज्यों में भाजपा की नाक दांव पर है और ऐसी परिस्थिति में भाजपा रिस्क लेने के मूड में नहीं है। आपको पता होगा, असम चुनाव भाजपा जीत गई है, लेकिन एक एग्जिट पोल के दौरान ये खबर आई कि जो मौजूदा वहाँ के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी घट गई है। यानी उनकी पॉपुलैरिटी जनता के बीच काफ़ी निम्न स्तर तक पहुंच गई है। एक बात जरूर है कि जनता ने फिर से भाजपा की सरकार चुन दी है, लेकिन सीएम बदलने का पूरा दबाव भाजपा के ऊपर है। अगर ऐसी परिस्थितियों में सीएम नहीं बदला जाता है, तो एग्जिट पोल साफ तौर पर बता रहा है कि सरकार जो है वो तख्तापलट हो सकती है, अनपॉपुलर रहेगी और लगातार उस पर तलवार लटकी रहेगी। इसमें अब नया खबर आ गया है, रिपोर्ट देखिए ये वाला। असम के नए मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत बिस्व शर्मा के नाम का ऐलान भाजपा कर सकती है। बीजेपी में शनिवार को जारी बैठकों के दौर के बाद आज इस नाम पर मुहर लग जाएगी। असम का पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विधायक दल की बैठक के बाद यह जानकारी देते हुए बताया कि शर्मा कल यानी सोमवार मुख्यमंत्री पद का शपथ ले सकते हैं। बीजेपी ने 126 सदस्यीय असम विधानसभा में 60 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि उसकी गठबंधन सहयोगी असम गण परिषद ने 9 और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल ने 6 सीटें जीती हैं। बीजेपी ने चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की थी। ऐसे में नए मुख्यमंत्री के फैसले के लिए बीजेपी आलाकमान ने सर्वानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्व शर्मा को दिल्ली बुलाया था। दोनों नेताओं ने कल दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसके बाद बताया जाता है कि सर्वानंद सोनोवाल ने अपना इस्तीफा राज्यपाल जगदीश मुखी को सौंप दिया है। असम से बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले सर्वानंद ने इस्तीफा दे दिया था। खबर साफ तौर पर आ रहा है कि इन बदली हुई परिस्थितियों में असम में मुख्यमंत्री का जो चेहरा है उसे बदल दिया जाएगा। यानी आने वाले समय में आप हेमंत बिस्व शर्मा के नाम का ऐलान देख सकते हैं। थोड़ी देर में ही यह ऐलान होने वाला है। आपको कंफर्म ये खबर बता रहा है भारत लाइव कि हेमंत बिस्व शर्मा को बनाया जा सकता है सीएम। बातें ऑलमोस्ट कंफर्म हो गई हैं, बस इस पर मुहर लगनी बाकी है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।